जम्मू संभाग के पुंछ जिले में बीते शनिवार को आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के एक वाहन समेत दो वाहनों पर गोलीबारी की। इस हमले में 5 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए, जिनमें से एक जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये वाहन जिले के सुरनकोट इलाके से सनाई टॉप की ओर जा रहा था। वहीं आतंकियों का पता लगाने के लिए और उन्हें मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी और घेराबंदी अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, शहीद जवान को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूँ। नशीले पदार्थों की तस्करी और तस्करों पर लगाम लगाने के लिए सांबा पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं 2 अन्य कुख्यात तस्करों पर PSA के तहत कार्रवाई की गई है और उन्हें जेल भेज दिया गया। पकड़े गए आरोपियों को कठुआ जिला जेल में कैद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार तस्करों पर लगाम लगाने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। बाबा बर्फानी के धाम की इस वर्ष की पहली तस्वीर सामने आई है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी विराजमान हो गए हैं। पवित्र गुफा के चारों ओर बर्फ जमी हुई है। बाबा बर्फानी की यात्रा मार्ग को सुचारू बनाने के लिए कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस बार अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। यात्रा के लिए 20 दिन में 2,38,000 शिव भक्तों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन अग्रिम यात्री रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वहीं DC जम्मू सचिन कुमार वैश्य ने अधिकारियों के साथ यात्री निवास भगवती नगर का दौरा किया। पंजाब के खन्ना में आज चलती रेलगाड़ी का इंजन अलग होकर करीब 3 किलोमीटर दूर अकेला पहुंच गया। रेल पटरी पर काम कर रहे की मैन ने शोर मचाने पर ड्राइवर को इसकी जानकारी मिली, तब इंजन को रोका और वापस इंजन को गाड़ी से जोड़ा गया। इस दौरान कोई भी दूसरी ट्रेन नहीं आई, जिससे हजारों यात्रियों की जान बच गई। यह हादसा पटना से जम्मू तवी जा रही अर्चना एक्सप्रेस रेलगाड़ी के साथ हुआ। उधमपुर में तवी नदी में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन ट्रैक ट्रॉली तवी नदी में रेत लोड कर रही थी, अचानक पानी का बहाव बढ़ा और तेज हो गया। 2 युवकों ने छलांग लगाकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई, परंतु ट्रैक्टर का चालक तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलते ही NDRF, SDRF, पुलिस और मकामी लोगों ने तलाशी अभियान शुरू किया। काफी मुशक्कत के बाद आज सुबह युवक का शव तवी नदी से बरामद किया गया। पुलिस द्वारा ऑटोप्सी के लिए अस्पताल ले जाया गया है। युवक की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भले रायबरेली से पर्चा दाखिल किया है, लेकिन पहले की तरह प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रियता बनी रहेगी। वो अमेठी और रायबरेली दोनों लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। पार्टी नेताओं का मानना है कि प्रियंका के बिना सियासी बैतरणी पार करना मुश्किल है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रत्यक्ष रूप से भले अमेठी और रायबरेली के चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन वो इन दोनों क्षेत्र में लगातार बनी रहेंगी। पुंछ में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल विक्की पहाड़े निवासी महर्षि वाल्मीकि वार्ड 45 पुरानी बस्ती लोनीना करबाल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए एसोसिएट अस्पताल उधमपुर भेजा गया। कॉर्पोरल पहाड़े ने देश के सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। एसोसिएट अस्पताल GMC उधमपुर में डॉक्टरों के बोर्ड ने शहीद का पोस्टमार्टम किया। इस दौरान वायुसेना व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।